हाय लकी। हाय जो। अम्मा यार ये ताश वाश क्यों कर रहे हो? देख रहा हूँ क्या आज खेलूं कि ना खेलूं। पक्के जुआरी हो यार, हमेशा खेलने से पहले कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग जरूर करते। इसीलिए तो प्यारे जीतते हैं। नंबर 27। जरा तुम्हारे हाथ में क्या दिखाना? क्यों क्या बात है? अबे दिखाता है कि नहीं? अच्छा बच्चे, तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो लेकिन मेरी आंखों में नहीं। यह आदमी मिलकर हम सबको चीट कर रहा है। नो फाइटिंग। अबे फाइटिंग के बच्चे बाजू हट। मैंने कहा। ये देखिए आपके आदमी की हरकत, पब्लिक को चीट कर रहा है। क्या इसीलिए तुझे यहाँ रखा है कि पब्लिक को चीट करे और कैसीनो का नाम बदनाम करे? Get out! Chagal. Yes, boss. Come here. And be honest. You don't worry, sir. Ladies and gentlemen, I am very sorry. Please carry on. Carry on. Carry on. 22. मर गया। Number 32. हर गया। मर गया। घर में क्या मुंह बताऊं? क्या लक लेके आया? अगर मैं उस वक्त जानता नहीं तो क्या करता बेवकूफ? वो हम सबकी पोल खोल देता। बॉस क्या है? वो हम सबको लूट रहा है। सबको लूट रहा है? ये माल कैसीनो का है और वो माल लेकर जाने ना पाए। जल्दी जाओ। ओके बॉस। हेलो लक्ष्मण। हाय जिली। अप डाउन? ऑलवेज अप नेवर डाउन। हाय। माल वापस करो। मुझसे कहा? माल वापस करो। माल तो वापस कर दूंगा लेकिन किस खुशी पे? तुमने हम सबको लूटा है। लूटा है? कमाल है, जुए में आप लोग हारे हैं और मैं जीता हूं, इसमें लूटने की क्या बात है? मजाक बंद करो। माल वापस करता है कि नहीं? अगर नहीं दू तो? यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तो फिर वे ले लो। लो। जुए के खेल में माली नहीं, जान भी दांव पे लग जाती है बच्चों। हेलो लक्ष्मण, अप डाउन? आई एम ऑलवेज अप। दे आर डाउन। हेलो, मैं रामनारायण बोल रहा हूं। जी हाँ, लक्ष्मण का बड़ा भाई। क्या लक्ष्मण ने झगड़ा किया? लेकिन साहब, उस झगड़े से मेरा क्या वास्ता? 10,000 रुपया चाहिए इलाज के लिए? देखिए जनाब, मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगा। कहां से बोल रहे हैं आप? अपना एड्रेस दीजिए मुझे। जी कल फोन करेंगे। किसका फोन था? तुम्हारे लाडले देवर सर फोड़ाए किसी का। इलाज के लिए उन्होंने 10,000 रुपए की मांग की है। कल सुबह तक रुपए नहीं पहुंचे तो हम दोनों की जान खतरे में। लेकिन तुम लक्ष्मण से तो पूछो। क्या पूछो उस नालायक से? तुम्हारे लाड प्यार की वजह से सब कुछ हुआ है। एक दिन वो मेरा सत्यानाश करके रहेगा। ऐसा क्यों सोचते हो? उसकी करतूतों से मेरा सर छुप गया है। ऐसा भाई ना होता तो अच्छा। इस तरह की बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम तो जानते हो, माता जी के मरने के बाद मैंने उसे माँ का प्यार दिया है। उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सह सकती। ठीक है, तुम और तुम्हारा देवर मिलके भागो 10,000 रुपए कैसे? क्या बात है भाभी, नाश्ते में कुछ मिर्ची ज्यादा पड़ गई है क्या? क्यों राम, क्यों इतना गर्म हो रहा है? यार किसी चीज की हद होती है। क्या हुआ? क्या वो हमारे साथ जा रहे हैं ना? जानते उन्होंने क्या किया है? क्या किया? वो किसी का सर फोड़ा है और कुछ लोग अस्पताल में पहुंच गए। 10,000 रुपए इलाज के मांगे। कौन है वो? नाम पता नहीं बताया उन्होंने।
लेकिन कल तक रुपए नहीं पहुंचे तुम दोनों भाइयों की जान खतरे में पड़ जाएगी। प्रेम, तुम तो उनका गुस्सा जानते हो। ठीक है भाभी, आप घबराइए मत, मैं आज ही उनका पता करता हूँ और ये मामला आज ही निपटा देता हूँ बस। ठीक है, आज तो तुम ये मामला निपटा दोगे, लेकिन कल को क्या होगा? उस कमीनी की तो आदत पड़ गई है, मैं उसे ठीक करके रहूंगा। सुनो तो, सुनो, सुनो तो, मैं कहती हूँ सुना तो। भगवान के लिए इस वक्त उसे कुछ मत कहिए, मैं उसे समझा दूँ। 20 साल में तुम इसे नहीं समझा सकी तो आज क्या समझाओगी? सुनो, जब तक मैं दुकान से वापस ना आ जाऊं, उसका खाना पीना सब बंद, और अगर किसी ने ताला खोला तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अरे, ये चश्मा तो टूट गया। मेरी किस्मत ही ऐसी है। क्यों रे, तुझे क्या हो गया? तू क्यों नहीं नाश्ता करता? चाचा कहाँ? चाचा के बिगड़ नाश्ता नहीं करूंगा। मत कर, इस घर में छोटे बड़े सभी मुझे आंखें दिखाते, सबको ही न जाने। चाचा, अरे ये क्या, अभी तो कुछ प्लेट से खाया नहीं तो वैसे ही पड़ा। चल शुरू कर, ये ले। तू किसी दिन जरूर हमें फांसी दिलवाएगा। लगता है भैया ने आज फिर भड़का दिया। क्यों? मुझे किसी ने भड़काया भड़काया नहीं, मैं सब समझती हूँ। रात रात भर गायब रहते हो, लोगों से मार पिटाई करते हो और गालियां खानी पड़ती है मुझे। भाभी, मैं किसी की जेब नहीं काटता, चोरी नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे खानदान के नाम पर धब्बा लगे। तो फिर क्या करते हो? सच बताऊं, मैं जुआ खेलता हूँ। क्या जुआ खेलते हो? देखो भाभी, जिंदगी तो एक जुआ है, और फिर मुझे सीधी पटरी पर चलना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें शर्म नहीं आती? लो भाभी, कमाल करते, इसमें शर्म की क्या बात है? बता, कल किसके साथ झगड़ा किया? झगड़ा? तोबा भाभी तोबा, झगड़ा और मैं, वो तो एक मामूली सी बहस हो गई थी। बहस? कल बहस में जिसके तुमने हाथ पांव तोड़े हैं ना, वो अब तुम्हारे भैया से इलाज के पैसे मांग रहे हैं, 10,000 रुपए। 10,000? हाँ, इतने सारे रुपए हम कहाँ से लाएंगे? बस ये बाप दादा का मकान है, थोड़ी सी कमाई बची थी, इसी के सारे जीवन चला रहे थे। ओफो भाभी, तुम भी हद करती हो, खामखा परेशान हो रही हो। उन बदमाशों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, मैं अभी निपट कर आता। नहीं, आज तो कहीं नहीं जाएगा। ओफो भाभी, तुम्हें मेरी सौगंध। अब तो खुश हो? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसी ताले में बंद रहूंगा। अब तो हंस दो, हंसो ना। इतनी मोटी बुक पढ़ा था बैठा हुआ। अच्छा? जी हाँ, जो काम आप 20 साल में नहीं कर सके वो हमने एक दिन में करके दिखा दिया। लो अपने मुंह मियां मिठू, ये लो। ये लो धनराज, 2,000 के काउंटर देना। तुम क्यों आ गए? आज फिर दंगा फसाद करने का इरादा है क्या? अरे नहीं धनराज, उस दिन मैंने थोड़ी झगड़ा किया था, वही लोग जबरदस्ती मेरे गले पड़ गए थे। तुम ऐसे लोगों के यहाँ आने क्यों देते जो हार कर झगड़ा करते हैं? हाय हैंडसम। हाय। आज खेलोगे नहीं? आया किस लिए हूँ, लेकिन आज तुम बड़े मूड में लग रही हो। क्यों, क्या बात है, बहुत जीत रही हो क्या? आज मैं हारने वाली नहीं लगती। अभी मालूम पड़ जाएगा, लाए और काउंटर ला जल्दी करे यार। चलो अब बताओ, लकी को यहाँ से कैसे पकाया जाए? बॉस, लकी को आपने अंदर कैसे आने दिया? मैं तो उसे भगाई देता मगर मैं सीधा बीच में आ गई और सारा मामला चौपट हो गया। अब क्या करें बॉस? अब उसे यहाँ से किसी भी तरह निकालने की कोशिश करो बस। शुक्रा। ओके। 400 मिशो किंग टॉप। लो भाई, अपन भी हो लिए,
हो गया गुंडा। बहुत लकी बना फिरता था। हो गई ना छुट्टी। अच्छा एक बात बताओ रीटा, तुम्हें कैसीनो का खुफिया रास्ता कैसे मालूम हुआ? मैं कैसीनो की खास कस्टमर हूँ ना। खास कस्टमर और आम कस्टमर में बहुत फर्क होता है लक्की। मैं तो तुमसे सब कुछ हार चुकी हूँ लक्की। बाप रे बाप, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? बड़े बेदर्द हो, किसी के दिल के दर्द को समझते ही नहीं। दिल के दर्द को समझने के लिए दिल में दर्द होना चाहिए जो अपने पास नहीं है। लेकिन जिसके दिल में आग लगी हो तो वो क्या करे? दिल जले लोग आग से नहीं खेला करते। समझदार लोग आग से आग को बुझा लेते हैं। आग से आग भड़क उठती है, बुझती नहीं। बड़े जालिम हो। सपनों की रानी कब आएगी तू? ला 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 ला, हा ये हुई ना बात। कल जब वो यहाँ से निकलेगी तो देखती की देखती रह जाएगी अपने हीरो को। क्यों मिस्टर, क्या ये आप है? और नहीं तो क्या आप है? कैसा लग रहा हूँ, है ना कुछ हीरो वाली बात? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बैनर पे तो धर्मेंद्र का नाम है। अरे पेंटर की मिस्टेक है। अरे मिस्टेक तो हमारी है जो आज तक हमारे हाथों से बचते रहे हो। क्या मतलब? सर के सारे बैनर खराब कर दिया तुमने, सारे आर्टिस्ट हमारे दुश्मन हो गए। अरे लल्लू क्या कर रहा है? अरे जल्दी से भाग यहाँ से, नहीं तो लोग मेरा पैसा बना देंगे। अरे जल्दी से भाग भाई। क्या बता, क्या बात थी? वही अपना पुराना हीरो बनने का चक्कर। ये चक्कर किसी दिन तेरे को ले डूबेगा। अब डूबने को रह क्या गया लक्ष्मण भैया? क्यों अफसोस तो मुझे अपनी जवानी पर आता है, खाम खा वेस्ट हो रही है। वो कैसे? वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, सुसरी रात दिन हीरो लोगों के सपने देखा करती है। मैं उसको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं भी किसी हीरो से कम नहीं। आकर देख ले नुक्कड़ पे धर्मवीर। वो सब क्या उसके सगे वाले थे जो तेरे पीछे आ रहे थे? अमान लक्ष्मण भैया, तुम भी बाल की खाल निकालते हो यार। अच्छा अच्छा, ये बता के आज इतना चमक कैसे था? कपड़े किसके पहने? पहले ये बताओ लग कैसा रहा हूँ? लग तो रहे बिल्कुल हीरो। वो तो लगूंगा ही, कपड़े जो हीरो के हैं। लेकिन कल सुबह शूटिंग वाले वापस ले जाएंगे लॉन्ड्री से। बस उनके जो हैं, अपन तो जीरो के जीरो। अच्छा बस बस यार रुक दो बस। पहलवान जी, जरा कड़क चाय देना, गर्मा गर्म फटाफट। अरे डालडे की औलाद, ये तुम्हें चाय की दुकान दिखती है? चाय पी पी कर देख तेरी क्या हालत हो गई। चाय का हर साल दाम बढ़ता है, मगर तुम लोग हो कि चाय पीना छोड़ते ही नहीं। गलती हो गई पहलवान जी, आप ही बताइए मैं क्या पीऊं। दूध पी, लस्सी पी, असली घी खा। अच्छा। और अखाड़े में जोर कर, देख मेरे पट्टे असली घी का नतीजा। चल लंगोट बांध। लंगोट? हाँ नहीं नहीं, मैंने आज तक लंगोट नहीं बांधी पहलवान। कोई बात नहीं, हम पहनवा देंगे तुम्हें लंगोट। धनपत धनपत, चलो लल्लू को घर में ले जाओ। धनपत धनपत, क्या बात है भाई? अरे चल, मेरी बात तो चल। अरे भाई ओ हो, मेरी बात तो सुनो बेमान लोग। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई कसरत कर। अरे काय की कसरत यार, तुम घर जाओ भाई। धनपत लखो नहीं है बाबू, और ना लो। अरे कोई काम की चीज खुदवाओ, अखाड़ा खोद। बोलो तो किसी की कब्र खोद दो। अपनी ही कब्र खोद लल्लू। खोदूंगा पहलवान जी, जरूर खोदूंगा। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। पहले एक बात बताओ, तुम कितनी देर यहाँ हो? है क्यों, मेरी कब्र खोदना चाहता है? रोज टाइम पूछ कर भाग जाता है, आज नहीं जाने दूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा पहलवान जी, बस घर जाके आता हूँ। अभी तक चाय नहीं पी मैंने। मैं दो घंटे दुकान पर तेरा इंतजार करूंगा, मगर वचन दे तू कभी चाय को हाथ नहीं लगाएगा।
हमेशा दूध पिएगा। मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके सौगंध खाता हूँ, जो कुछ पीऊंगा दूध ही पीऊंगा, दूध के अलावा और कुछ नहीं पीऊंगा। जय बजरंग बली। कौन है? तेरा आशिके जार, लल्लू फिल्म स्टार। लीजिए आगे फिल्म स्टार। तू और फिल्म स्टार, मुंह देखा आईने में? जिस दिन मेकअप करूंगा जी, उस दिन देखना। कर चुका तू मेकअप, बन चुका फिल्म स्टार। देखा था जुगनू में, धर्मेंद्र झूमर पर चढ़ गया था, एरोप्लेन में बैठकर गाना गा रहा था, और तू तू तो आज तक एक गधे पर भी नहीं बैठ सका। लीलू, तुझे फिल्म वाले बहुत पसंद है ना, इसलिए मेरी कोई कदर नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन फिल्म स्टार बन के दिखाऊंगा। मुझे ये बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। ये क्या है? तेरे वास्ते फूलों का हार लाया हूँ, बचा बचा के दिले बेकरार लाया हूँ। मगर क्यों लाए हो दिले बेकरार? प्यार की आग में तन बदन जल गया, मेरे जीवन की नैया को इस तरह मझधार में छोड़कर न जाओ लीलू। ये फूल ले लो लीलू, फूल ले लो। ये तो क्या बक रहा है? मैं डायलॉग बोल रहा हूँ। फिल्म स्टार लव सीन में ऐसे ही डायलॉग बोला करते हैं। वो तो आज ही हो रहा था, तेरे भाई ने अखाड़े में मेरी कबर खुदवा ही दी थी। मगर मैंने भी उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो पहलवान का बच्चा 2 घंटे के लिए वहां से हिल नहीं सकता। ये लीजिए पहलवान जी, इसे भी मेरे खाते में जमा कर दीजिए, कल रात क्लब में जीत कर आया हूँ। लक्ष्मण, सुना है रात को क्लब में गड़बड़ हो गई थी? गड़बड़ नहीं, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था और अपना भी हाथ साफ हो गया, लेकिन सब ठीक है। तुम लोग भूल करते हो, इतना पैसा क्लब और रेसों में जाया करते हो, थोड़ा सा चंदा मेरे अखाड़े को दे दिया करो, तो मेरे पट्टे सब गुंडों को समझ लें। अच्छी बात है, मेरे पैसों में से अपने अखाड़े के लिए पैसे निकाले करो, लेकिन 10% से ऊपर नहीं। ओके, हाँ हाँ, मैं चला। अरे लस्सी पीते जाओ, लस्सी उतारे पहलवान जी, फिर कभी। कितना फर्क है दोनों भाइयों में। मैंने कहा सुनते हो, कल 20 तारीख है। हाँ भाई, आज 19 है तो कल 20 जरूर होगी, इसमें नई बात कौन सी है? अरे नई बात यह है कि कल तुम्हारी भांजी की शादी है, तलेगांव जाना है। मैं तो भूल ही गया था। मैंने सुबह की टिकटें मंगवा ली हैं। लेकिन मैं दुकान छोड़ के कैसे जाऊंगा भाई, वो सेठ जी मद्रास गए। मैं तुम्हारी एक ही तो बहन है, अगर इस वक्त नहीं गए तो जिंदगी भर ताना देगी। सीधे तुम एक काम करो, लक्ष्मण को 2000 रुपए दे के भेज दो। लक्ष्मण को? हाँ भाई, अब वो सुधर गया है, अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। ये साड़ियाँ तो देख लो, अच्छी है। ठीक से देखो तो सही। ये 2 चश्मे क्या दूल्हा दुल्हन के लिए लाई हो? उस दिन तुमने चश्मा तोड़ दिया था ना। हाँ हाँ, दोबारा तोड़ू इसलिए तुम दूसरा भी लाई हो। हा? दूसरा लक्ष्मण के लिए लाई थी। भाई तुम्हारा ये होम डिपार्टमेंट खत्म हो गया, अब तो चल चलो। चल मुझे चलनी है ना। नहीं, गांव वालों को। हूँ क्या, जाओ तुम अपना काम करो। अच्छा जाती हूँ। रघु का नीचे। रघु, अबे कौन है बे? मैं हूँ लक्ष्मण यार, बाहर निकल। बोल क्या बात है यार? बड़ी मेहरबानी होगी तेरी, एक दिन के लिए गाड़ी दे दे, पुणे जाना है, बहुत अच्छी अच्छी टिप मिले। अरे मैं गाड़ी कहाँ से दे दूँ, तू ट्रेन से चला जाना। अभी ट्रेन के टाइम भी कहाँ है, और साथ में 2-4 दोस्तों को भी पिकअप करना है, वापसी में तलेगांव में शादी भी अटेंड करनी है। बड़ी मुश्किल है यार, और आज अपना सेठ भी नहीं आया। अबे सेठ से मांगनी होती तो तेरे पास क्यों आता। देख राजा, दे दे, तेरे नाम से भी घोड़ा खेल दूंगा। दे। वाह मेरे हीरो वाह, घोड़े दौड़ेंगे तेरे और गाड़ियां दौड़ाएगा लोगों की। देख ये गाड़ी मुझे मालिक को परसों वापस करने की मरम्मत के लिए आई है, अपनी जिम्मेदारी पे दे देता हूँ, जरा संभाल के चलाना। अबे तू फिक्र मत कर, बिल्कुल संभाल के चलाऊंगा। अरे रमेश, तो अभी तक क्या है? आज यहाँ आखिरी दिन है, कल से अपना ट्रांसफर बॉम्बे। वेरी गुड, चल आज इसी बात तेरे घोड़ा खेल ले। नहीं यार, ड्यूटी पर हूँ। तू हमेशा ड्यूटी पे जाता रहे, मैं चला मेरे घोड़े जा रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। लड़की जीत गई, आज अपना लग बहुत जोर में है। अपना तो घोड़ा मार खा गया। आपको कोई टिप चाहिए? आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ,
अपने पास बहुत अच्छी अच्छी टिप हैं। अपनी टिप सिर्फ अपने पास ही रहने दीजिए, मुझे घोड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा दिलचस्पी नहीं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आई नहीं, यहाँ जबरदस्ती लाई गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी पैसे लेकर आया, चल। जीत गए? ये मेरी सहेली के पैसे हैं, ना मैं हारती हूँ ना जीतती हूँ। आप खेल के तो देखिए, ऐसे कीजिए आप मेरे साथ सिंडिकेट में खेलिए। देखिए मिस्टर, आदमी या तो शौक से खेलता है या जरूरत से, मुझे दोनों नहीं है, इसलिए मैं जुआ नहीं खेलती। जिंदगी भी एक जुआ है मैडम, इसमें कभी जान लगानी पड़ती है, कभी दिल हारना पड़ता है। तो हारिए जाकर दिल में, कौन आपको रोकता है? लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़े आप? बदतमीज कहीं का नालायक। अरे 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 छोड़ यार, ये तो घरवाली की तरह गालियां दे रही, ये नहीं पटने वाली दोस्त। नहीं पटने वाली लगी सर। कितने कितने की? 1000 की लग गई। धंधे का भी ले जाता हूँ। समझा ना तारा, दुनिया ने मुझको है समझा ना तारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा, और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा। तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा, तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा। ए दुनिया ने मुझको है समझा ना तारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। जवाब और तेरी मेरी जोड़ी होगी जोड़ी लाजवाब, आंखें होंगी मेरी और तेरे होंगे ख्वाब। तेरा मेरा प्यार होगा होगा लाजवाब, वो होगा लाजवाब। ठुकराओ ना ठुकराया, जहर खा के मर जाऊंगा, तूने ठुकराया जहर खा के मर जाऊंगा। हे दुनिया ने मुझको है समझा ना तारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। अखियों के नूर करो ना यूं गुरूर, किसी ना किसी को अपनाओगी जरूर, अपनाओगी जरूर। वो तेरा प्यार पाऊंगा मैं पाऊंगा जरूर, वो चाहे बदनाम या हो जाऊं मशहूर। आज तुझे साथ लेके जाऊंगा जरूर, लेके जाऊंगा जरूर। जरा आओ ना मानूंगा,
जाऊंगा, तूने मुझे छोड़ा जहर खा के मर जाऊंगा, तूने मुझे छोड़ा जहर खा के मर जाऊंगा। हे दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा, और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा, और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा। तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा, तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा। ओ भाई लक्की, तुमको शादी में जाना है, हम तो चले। अरे बाप रे, मैं तो भूल गया था। मामला सीरियस तो नहीं है, एक्सरे तो ले लिया है, लेकिन लड़की एक्सीडेंट के बाद से अब तक बेहोश है, सर पर अंदरूनी चोट आई है, हो सकता है ब्रेन पर कुछ असर हो। ठीक हो जाएगी ना? ये तो मैं ऑपरेशन के बाद ही बता सकता हूँ। ठीक है ठीक है, आप पूरी कोशिश कीजिए, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बात खर्चे वाली है। खर्च की फिक्र मत कीजिए, इसके इलाज में जितना उनका खर्च होगा मैं दूंगा, उतना इंसान की जिंदगी से बड़ा नहीं होता। वेरी गुड, आप नीचे ऑफिस में जाइए, फॉर द टाइम बीइंग 2000 रुपए जमा करा दीजिए। श्योर। चलिए, पुलिस की कार्रवाई भी बाकी है, लड़की तो बयान देने के काबिल ही नहीं है। पता नहीं इसके माँ बाप को खबर भी है या नहीं। उसकी आप चिंता नहीं कीजिए, उन्हें खबर मिल जाएगी। आइए। लक्ष्मण को जीप देने के लिए मैंने नहीं कहा था, क्यों दिया आपने उसको जीप? चिल्लाइए मत, लक्ष्मण आपका छोटा भाई है, आप इसके जिम्मेदार। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, वो आजाद है, अपनी मर्जी का खुद मालिक है। लेकिन तुम्हें, देखो तुम बीच में ना बोलो तो अच्छा है, आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। रामनारायण जी, आप जैसे देवता आदमी के कारण हम यहाँ पहुंचे, नहीं तो ये सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे थे। आपको रोका किसने है? जाइए पुलिस स्टेशन, जरूर जाइए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मेरे जीप की कीमत 20,000 रुपये थी, कंप्लेन दे देंगे। कंप्लेन दीजिए, गिरफ्तार करवा दीजिए, जेल में डाल दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। कितने की थी आपकी जीप? 20,000 रुपये। कल सुबह आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर तक पैसे नहीं पहुंचे तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। आप बेफिक्र रहिए, चलिए। भाभी, शादी में तुमने जैसे कहा था ना, मैंने वैसे ही किया। बोले तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। जरा पूछो उससे कहां से लाएगा 20,000 रुपए। भाभी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। हाँ, ये तो धन्ना सेठ हो गया है, कारखाने चलते हैं, इसके मिले खोल लिए इसने। जानती हो मेरे माँ के सामने कसम खाई थी कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, आज तक मैं इसकी गलती माफ करता हूँ, 20 साल में कभी हाथ नहीं उठाया इसके ऊपर। लेकिन उम्मीद खत्म हो गई, जो शराब लड़ाई झगड़ा दुनिया भर की बुद्धि आते अपना लिए इसने। मैं कहता हूँ तुम गाड़ी के लिए 20 साल बजे सकते हो तो ये घर। लेकिन भैया मेरी बात तो, आज के बाद तुम्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, मैं मर चुका हूँ तुम्हारे लिए। तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में? हाँ हाँ, मैं होश में हूँ, तुम्हारी ममता को शायद ठेस पहुंची होगी। तुम चाहते तो मैं घर छोड़ के चले जाता हूँ, तुम और तुम्हारा देवर संभालो इस घर को। ठीक है भैया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, तो जाओ यहाँ से, खबरदार जो उसे रोकने की कोशिश की। तेरे भाई का गुस्सा तो मालूम है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। भाभी, रेस में कुछ पैसे जीता था, सामान लेकर आया, तुम्हारे लिए कुछ साड़ियां हैं, राजू के लिए खिलौने, और सामान को हाथ मत लगाना, जुए की कमाई की कोई भी चीज मुझे इस घर में नहीं चाहिए। जाने से पहले एक थोड़ी सी चीज मांग सकता हूँ भैया? हाँ, तुम्हें इस घर का हिस्सा चाहिए ना, मिल जाएगा तुम्हें हिस्सा। नहीं नहीं भैया, मुझे आपका और भाभी का आशीर्वाद चाहिए था। रामू, लल्लू कहाँ? मैं अंदर जा सकता हूँ? अच्छा हुआ तो मिल गया। ओहो, मैं कहाँ जाता भाई, अपनी तो नौकरी है, लेकिन आप यहाँ, बात क्या है, और ये सूटकेस किस लिए है? भैया ने घर से निकाल दिया। फिर कोई नई हरकत की होगी? हरकत यही, कल रेस में रुपए जीत कर आया था, आज घर हार कर आया हूँ।
ये तो बहुत माल है। चोरी का माल नहीं है, रेस में जीता हूँ। तू फिक्र मत कर, इसे पहलवान के जमा करा देता हूँ। तू मेरा ये बैग संभाल, मैं जरा पूना होकर आता हूँ। पूना? पूना क्यों? वो जिस लड़की के साथ एक्सीडेंट हुआ था ना, वो पूना हॉस्पिटल में है, उसे देखकर आता हूँ। ओ ये डिजाइन कुछ खास नहीं है। आपको इनमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं? जी नहीं। बात क्या है? देखिए आप कोई अच्छा सा हार दिखाइए, कीमत की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। मैडम आप पहले डिजाइन पसंद कीजिए, फिर आप हमको जैसा कहेंगे वैसा हार बना देंगे। राम नारायण वहां से दूसरे डिजाइन लाओ भाई। जी बहुत अच्छा। लीजिए। देखिए मुझे बहुत ही खूबसूरत और कीमती हार चाहिए। मैम साहब हमारी दुकान में घटिया माल कभी नहीं बनता। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप बिल्कुल ऐसा ही हार बना सकते हैं? जी हाँ, जरा भी फर्क नहीं होगा। अच्छा ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। क्या मैं ये डिजाइन अपने साथ ले जा सकती हूँ? अपने घर वालों को बताना चाहती हूँ। जी हाँ बेशक ले जाइए। थैंक यू थैंक यू। अरे तू समझती क्या है लल्लू को, टाइम पूछ कर आया हूँ, 2 घंटे की छुट्टी। लल्लू देखना बोल देती हूँ, किसी दिन तेरी छुट्टी हो जाएगी। मुझे शके भैया को पता चल गया है। कैसे? वो तू उस दिन फूल लाया था ना, हाँ? भैया ने फेंक दिए। इतनी बड़ी इंसल्ट। कोई बात नहीं फेंकने दे। देखना लीलू एक दिन मैं सबसे मशहूर फिल्म स्टार बनूंगा। हर पेपर में मेरी तस्वीर होगी, हर पेपर में मेरी चर्चा होगी, सारी दुनिया मेरे पीछे भागेगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। अरे ये क्या कर रही है, ट्रैफिक जैम होगा और तेरा भाई अपने आप मेरे पास आएगा और मेरे गले में माला। भाई साहब आ गए, भाई साहब बैठिए बैठिए बैठिए। रोज टाइम इसलिए पूछता था, आज मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। वो मर जाएगा। मरने दे, ऐसा एक मरता है तो 10 पैदा होते हैं, की फर्क पैदा है। ओ भैया छोड़ दो। अरे मेरा गला छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा तो आप मुझे छोड़ दोगे ना। अच्छा तो तुझे दुकान पर ले चलता हूँ और जन्म भर का टाइम बता देता हूँ। अरे मेरा टाइम आ गया भगवान। अरे नीलू मुझे बचा दो। कैसी तबीयत है मोना? ठीक हूँ सीमा, तुझे कैसे पता चला? अरे मुझे ही क्या, सारे कॉलेज को खबर है। लेकिन ये तो बता वो कौन अंधा था गाड़ी चलाने वाला? नहीं सीमा उसकी कोई गलती नहीं थी, भूल मेरी ही थी। तेरी भूल? हाँ सीमा, पुलिस मेरा बयान ले चुकी है। मेरी साइकिल निचाई की तरफ जा रही थी, अचानक ब्रेक फेल हो गया और मेरी साइकिल जीप से जा चक रही। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे इसके इलाज ऑपरेशन के लिए उसने 2,000 रुपये जमा करवाए, वरना हम गरीब इतना रुपये कहाँ से लाते बेटी। तो कौन सा बड़ा एहसान किया है। कैसी है मेरी मोना? ठीक हूँ बाबा, डॉक्टर साहब ने कहा अब कोई खतरे की बात नहीं। ये सब इनकी मेहरबानी है। मेहरबानी कैसे, ये तो मेरा फर्ज था। मैं जानता हूँ ये फर्ज तुम्हें कितना महंगा पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? हुआ ये है कि इस एक्सीडेंट के बाद इनके बड़े भाई ने इन्हें घर से निकाल दिया। देखिए मुझे कोई अफसोस नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, घर से निकाल सकते हैं, बुला भी सकते हैं। बाबूजी घर छूट सकता है, खून का रिश्ता नहीं टूट सकता। ओह तो ये एक्सीडेंट आपने किया है? जी एक्सीडेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। तो मैं जानती हूँ सीमा। हाँ घर बहुत याद आ रहा है क्या? आसानी से भूलना भी तो मुश्किल है। भैया ने घर से निकाला क्यों? नालायक जो हूँ, रेस खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ। मुझे दीदी ने घर से इसलिए अलग कर रखा है कि मैं ये सब कुछ करती नहीं। हर आदमी दुनिया को अपनी नजर से देखता है। आज मेरे लिए जमीन कितनी सख्त हो गई, आसमान कितना दूर हो गया, भाभी और मुन्ना सब कितने दूर हो गए, मैं कितना अकेला हो गया। जब दो अकेले मिलते हैं तो कोई अकेला नहीं रह जाता। खुश नसीब हो तुम्हें कोई याद तो करने वाले। मेरी एक बहन है, पता नहीं अपने आप को भूलती है या मुझे याद करती है। वो तुमसे नाराज तो नहीं? पता नहीं, घर से तो अलग कर रखा है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना?
मैं दुनिया में अब किसी से नाराज नहीं हूँ। देखो घर का गुस्सा बाहर नहीं उतारते। ये कहाँ ले आए तू मुझे? अपनी पलकों की छांव। देखो ना कितनी अच्छी जगह है ये प्यारा समाज। रुत कितनी अलबेली है। किस्मत की तरह रुत भी बदलती रहती है। अगर रुत ना बदलती तो हम तुम कैसे मिलते? देखो ना ये उदय उदय बादल, ये रंग भी रंग। जी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से। कब तक दुनिया से रूठे रहोगे? देखो जब दुनिया में आदमी अकेला हो जाता है तो किसी न किसी को अपने दुख का साथी बना लेता है। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। ओ मेरे दिलदार गुस्सा करोगे कितनी बार, ओ मेरे दिलदार गुस्सा करोगे कितनी बार, मेरा प्यार न माने हार, गुस्सा करोगे कितनी बार, एक बार दो बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार आखिर तुझको मना ही लूंगी, करना पड़े लेके कौन जाएगा सर जी? तुम ही ले जाओगे राम नारायण, मैं किसी और पर इतना भरोसा नहीं कर सकता। 6 लाख का कीमती हार मैं किसी और के हाथ में दे दूं? आदमी की नीयत बदलते क्या देर लगती है। जी बहुत अच्छा। नमस्ते जी। नमस्ते मैनेजर साहब, आइए आइए बैठिए। मेरा हार तैयार हो गया। जी हाँ, सर जी ने खास तौर पर मुझे भेजा है। ये देखिए कितना खूबसूरत हार है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। जैसा डिजाइन दिया था बिल्कुल वैसा ही हार बना है। आपका कारीगर बहुत होशियार मालूम होता है। जी हाँ, अच्छे कारीगर की वजह से कंपनी का नाम होता है। काम कारीगर करते हैं, नाम कंपनी का होता है। आप क्या पीजिएगा, चाय कॉफी? जी थैंक यू। आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। ओह श्योर, शुक्रिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दुकान पे जल्दी पहुंचना है। अगर किसी की जरूरत हो तो हमारी कंपनी को याद रखिएगा। जरूर जरूर। नमस्ते। नमस्ते।
हेलो, हार मिल गया है। ये चाल और मात। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया यार, तुम तो एक्सपर्ट हो गए हो भाई। तुम्हें तो शतरंज के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए। राम नारायण। कुलशेख जी, आप इस वक्त यहाँ, क्या बात है भाई? बात नहीं, मुसीबत है। मुसीबत? कैसी मुसीबत भाई? वो रीटा का फोन आया था, तुमने जो उसको हार पहुंचाया था ना, वो नकली है। नकली? ऐसा कभी नहीं हो सकता सेठ जी। हुआ ऐसा ही है, उसने 3-4 जोहरियों को दिखाया है, सब कहते हैं हार नकली है। लेकिन सेठ जी, क्या आपको भी यकीन है? मेरे यकीन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल है मेरी और मेरी फर्म की इज्जत का। पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सेठ जी, वो हार आपने खुद मुझे दिया था। बेशक दिया मैंने खुद था, फिर ये रीटा ऐसा क्यों कह रही है? आप ही बताइए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये तुम जानो। देखो राम नारायण, ये हम दोनों की इज्जत का सवाल है। अगर इस मामले की जल्दी छानबीन न की गई तो डर है रीटा कहीं पुलिस तक न पहुंच जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई। प्रेम, ये रीटा कौन है? भाभी, सुना है कि वो अच्छी औरत नहीं है, बड़ी चालबाज है, वैसे अपना लक्ष्मण से अच्छी तरह जानता है। लक्ष्मण? हाँ, उसके साथ रेस कोर्स पे जाता है, जुआ खेलता है। आप लक्ष्मण को बोलिए ना कि जाके रीटा से मिल ले। वो नालायक क्या बात करेगा यार उससे। प्रेम, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उस औरत से फैसला करते हैं। राम भैया, हर बात में जल्दबाजी ठीक नहीं होती। यार तुम जल्दबाजी की बात करते हो या जिंदगी मौत का सवाल है? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। प्रेम, इसमें तो मुझे उस औरत की कुछ चालाकी नजर आती है, तुम आओ मेरे साथ। एक सेकंड, मुझे तो ये मामला कुछ उलझा हुआ नजर आ रहा है, कहीं इस गर्मा गर्मी में अपना ही नुकसान ना हो जाए। तुम एक काम करो, तुम रीटा के पास जाओ और प्यार और ठंडे दिल से उससे बात करो। अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो बाद में निपट लेंगे। ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। ओके, वैरायटी स्टोर इस वक्त खुला होगा, वहां से सब सामान ले आओ। अच्छी बात है। आओ। कम इन। बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह वाह, पूरी तैयारी है? बाकी पंडस कहाँ हैं? ताज कहाँ? वो भी आ जाएंगे, पहले बैठो तो सही। ओफो, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। बाप रे, क्यों? अरे इस आदमी को कुछ नहीं बताना मेरे बारे में। अरे वो तो मामूली ज्वेलर है, डर क्यों गए? क्या बात है? बात कुछ भी नहीं, बाद में बताऊंगा। अच्छा तुला, आइए। मैम सब कहाँ हैं? नीचे बैठी हैं। आप आइए, बैठिए बैठिए। क्या पीजिएगा, कुछ ठंडा गरम? जी नहीं, ठंडा पीजिए। कुछ पता चला? यही मैं आपसे पूछने आया हूँ। मुझे क्या मालूम, मेरे पास नकली हार पहुंचा, वो मैंने कंपनी को बता दिया, आप ही कंपनी को पूछ लीजिए। जी मैं कंपनी से क्या पूछूं, वो कीमती हार था इसलिए मैं खुद लेके आया था। मेरी 30 साल की सर्विस में आज तक कभी ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि सच्चा हार जो मुझे नहीं मिला वो रास्ते में कैसे बदल गया। मैं क्या जानूं कैसे बदल गया, मैंने तो आपको सच्चा हार लाके दिया था, उसको रसीद भी ले ली थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने किया होगा। बहुत खूब, नुकसान भी मेरा और मुजरिम भी मैं। मेरी शराफत देखिए, अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया। जी हाँ, बुलाइए पुलिस को, इंतजार किस बात का है? आपकी शराफत के सारे सबूत तो आपके सामने पड़े हुए हैं, मैं खुद आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाऊंगा। हाँ हाँ, चाहिए लिखवाइए, मैं जितनी नरमी से मामले को सुलझाना चाहती हूँ आप उतने ही तेज होते जा रहे हैं। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए और जो जी मैं वो कीजिए। गेट लॉस्ट। जाता हूँ, लेकिन याद रखिए जो कुछ आपने किया उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण,
लक्ष्मण 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 नमस्ते सेठ जी। कौन रामनारायण तुम? हाँ जी। इतनी रात गए? अंदर आओ अंदर आओ। क्या बात है सेठ जी? मेरिटा के घर से आ रहा हूँ। आप नहीं जानते वो किस टाइप की औरत है। भाई हमें किसी के जाति मामले से क्या लेना? आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, हमारी तरफ से वो जहन्नम में जाए, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया है तुम्हारे जो जी में आए करो, पुलिस में जाना पुलिस में जाओ। राम नारायण सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैंने उसका पूरा बंदोबस्त कर दिया है। आइए आइए। लाश कहाँ है? जी ऊपर है। मेहरबानी करके कोई साहब किसी चीज को हाथ न लगाएं। जी जिन चीजों पर उंगलियों के निशान हैं उनकी तस्वीर लीजिए। यस सर। एम्बुलेंस के आते ही लाश को हॉस्पिटल पहुंचा देना। राइट सर। आप कौन है? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं साहब अकेली रहती थी, वैसे ही माली यहाँ रहता है। ये मफलर मेम साहब का है? नहीं। और ये गॉगल्स? ये भी नहीं। रात कोई मेम साहब से मिलने आया था? जौहरी आया था। जौहरी? जी हाँ, ये चश्मा राम नारायण जी का है। क्या वो हार आपने रामनारायण जी को दिया था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हार लेकर रामनारायण ही गए थे। उन्होंने कभी कोई गड़बड़ नहीं की। वो इस कंपनी के बहुत पुराने और ईमानदार नौकर थे। भगवान जाने इस बार क्या हो गया है। जिस रात रीटा का खून हुआ वो मुझे बोल कर गए थे। क्या ये मार्क आपकी लॉन्ड्री का है? जी हाँ ये मेरी लॉन्ड्री का है। आप बता सकते हैं ये मफलर किस आदमी का है? जी मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, शकल से पहचानता हूँ। हाँ जी ये वही आदमी है। सर ये रामनारायण के फिंगरप्रिंट्स हैं जो कोको कोला की बॉटल के फिंगरप्रिंट से टैली करते हैं, मगर सर ग्लास पे किसके फिंगरप्रिंट्स हैं इसका अब तक पता नहीं चला। और यही पता चलना चाहिए। आपको मालूम है कि जरा सी गफलत से एक बेगुनाह फांसी पा सकता है। यस सर। और कानून में इससे बुरी कोई बात नहीं। यस सर। इन्वेस्टिगेशन में यस सर 50% कामयाबी कोई कामयाबी नहीं। जाइए और इसे 100% पूरा करके आइए। यस सर प्लीज। अच्छा हुआ रमेश तुम आ गए। ये तुम्हारे भाई साहब को कुछ समझाओ। दो तीन दिन से ना ठीक से बात कर रहे हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, ना जाने क्या हो गया है। भाभी जी मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे ड्यूटी तो रोज होती है, तुम थोड़ी देर इनके पास बैठो, तब तक मैं चाय ले आती हूँ। भाभी जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कभी कभी ड्यूटी इंसान के लिए अनजान हो जाती है। क्या मतलब? मैं भाई साहब को गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? ये उनकी गिरफ्तारी का वारंट है और बदकिस्मती से ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। रमेश ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम
तुम इन्हें गिरफ्तार करोगे? हाँ भाभी, जहां रीटा का खून हुआ वहीं पर भाई साहब का चश्मा, मफलर और उंगलों के निशान पाए गए। क्या ये सच है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी बड़ी समस्या पुलिस की छानबीन, तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। सीता, ये सब बातें बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। क्या मैं तुम्हारी खुश नहीं लगती? ये सब किस्मत की बात है सीता। वो चश्मा, वो मफलर वहां कैसे पहुंच के मैं नहीं जानता। और देखो, जो होनी है वो होकर रहेगी। चलो रमेश। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते रमेश। सीता, समझदारी से काम लो। रमेश इस वक्त ड्यूटी पे है, उसे बताओ। और रमेश चलो। जुए से फुर्सत मिली आप नवाब साहब को? एक भाई खूनी, दूसरा जवारी। भैया के बारे में कुछ कहा तो मैं जबान खींच लूंगा। जाओ जाओ, सच बोलने वालों की तुम क्या जबान खींचोगे? इनके मुंह क्यों लग रहा हो? कोई तमाशा हो रहा है, जाइए आप लोग। लक्ष्मण अंदर जाओ। सुन लिया लोग क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें भी यकीन है कि भैया ऐसा कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं है लक्ष्मण, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि सारे सबूत भैया के खिलाफ है। तुम अंदर जाओ और भाभी की देखभाल करो, उनकी हालत बहुत खराब है। भाभी। चाचा। चाचा, मम्मी क्यों रो रही है? रमेश अंकल डैडी को कहाँ ले गए? कहीं नहीं बेटे, अभी आ जाएंगे। हाँ चलो रो मत। भाभी, इन जलील लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। दुनिया कभी किसी को अच्छा नहीं कहती। जी तो चाह रहा था कि एक एक की जबान खींची। दूसरों का ऐब जल्दी नजर आता है, लेकिन अपने ऐब पे आदमी की नजर नहीं पड़ती। पहले अपने आप को देखना चाहिए। जा बेटा, अपने कमरे में जाओ। रोना नहीं। हाँ भाभी, मैं समझा नहीं। मैं जानती हूँ रीता से तुम्हारी दोस्ती थी। कई दिनों से नाटक चल रहा था, चुआ, शराब, पार्टी, और आज उसी रीटा की वजह से हमारा संसार उजड़ गया। और तुम दूर से तमाशा देखते रहे। नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हो? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। पेपर में पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि रीटा का खून हो गया। लक्ष्मण, तुझे मेरी सौगंध, सच सच बताओ, रीटा और तुम्हारे क्या संबंध है? संबंध सिर्फ एक जगह खाते पीते थे भाभी, और कुछ नहीं। तुम मेरी माँ की जगह हो, और मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ मेरा उससे और कोई वास्ता नहीं था। लक्ष्मण, सच और झूठ में थोड़ा ही फर्क होता है। मैं नहीं जानती तुम सच बोल रहे हो या झूठ। चलो यार। भैया, भैया मेरी तरफ देखिए। दुनिया ने इतना जलील किया है कि आंखें उठाने के काबिल नहीं रहा। दिल छोटा मत करिए, आदमी को सब कुछ हारने पर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने जिंदगी के साथ कभी जुआ नहीं खेला लक्ष्मी, लेकिन खेलना पड़ता है और ये खेल कभी खत्म नहीं होता। भैया, मैंने आपके चेहरे पर हमेशा गुस्सा देखा और अच्छा लगा। मुझसे आपकी ये उदासी नहीं देखी जाती भैया। लक्ष्मण, मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। मेरी मजबूरी पे रो रहे हो या मेरे गुनाहों पे? नहीं भैया, नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल बेकसूर हैं। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें मुझे मुजरिम समझती है, कातिल, खूनी।
सारी गवाहियां मेरे खिलाफ। लानत बिछी है दुनिया पे और उसकी झूठी गवाहियों पे। जो कुछ सामने होता है दुनिया वही देखती है। भैया मैं अदालत के सामने साबित कर दूंगा कि आप बेकसूर हैं। आपको बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, अपने आप को बेच दूंगा। भैया लक्ष्मण, उम्मीद और असलियत में बहुत फर्क होता है। भगवान तुम्हारा विश्वास बनाए रखे। ये नकली हार कहां से मिला? रीटा के घर से। लेकिन ये झूठा हार भी सच्चाई साबित नहीं कर सकता लक्ष्मण, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है कि भैया ने ही असली हार की जगह ये झूठा हार पहुंचाया था। सच्चाई हमेशा झूठ से ही साबित की जाती है। भैया जैसा सीधा साधा आदमी सिक्के नाम ने जुर्म नहीं कर सकता। मैं मानता हूं लक्ष्मण, लेकिन भैया का मफलर, उनका चश्मा, उनके फिंगरप्रिंट्स और चौकीदार का बयान, ये सारी चीजें भैया के खिलाफ हैं। और कानून भी भैया को ही रीटा का खूनी कहने के लिए मजबूर है। एक बात बता रमेश, ये मजबूरी किसी तरह दूर नहीं हो सकती? हो सकती है, अगर रीटा के घर से कोई ऐसी चीज मिले जो बहुत जरूरी है। अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? ये मेरा बंगला है। तुम्हारा? यानी? ढोंग मत रचो। क्या तुम जानते नहीं मैं रीटा की बहन हूं? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे क्या मालूम था कि तुम रीटा को जानते हो? आज मेरे एक दोस्त ने तुम्हें इस बंगले में आते हुए देखा और मुझे फोन आकर बता दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी लड़की मामूली एटिकेट भी भूल जाओगी। बंबई में आकर मुझे इतला तक नहीं की। कमाल है, ऐसे फूल से चेहरे के पीछे इतना पत्थर दिल। बेकार की बातें मत बनाओ। पहले मुझे ये बता, इतनी रात गए रीटा के कमरे में तुम चोरों की तरह क्या कर रहे थे? मैं छिपने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। बेवकूफ बना रहे हो, मुझे सच सच बताओ। सच में सीमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि पूना से निकलने से पहले ना तो तुमने मुझे टेलीफोन किया ना टेलीग्राम दी। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? मुझे गलत मत समझो, रीटा के यहाँ अचानक चले जाने से मैं बहुत परेशान हूँ। देखो ना, आज सारा दिन पुलिस से मिलने और सॉलिसिटर से बातें करने में गुजर गए। वो सब तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन तुम ये मत भूलना कि मैं साये की तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। अच्छा ये बताओ, कल शाम को क्या करिए? कुछ नहीं। तो फिर बाहर चलेंगे ताकि तुम्हें अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाए। चलो। आप इन्हें जानती हैं? हाँ, क्यों? बड़ी मेम साहब के दोस्त हैं। क्या? हाँ, बड़ी मेम साहब से मिलने बार बार आया करते थे। एक बात और भी है, इन्हीं के बड़े भाई ने मेम साहब का खून किया है। खून? खून? मैंने खून करते उन्हें देखा था। मैंने उस आदमी को सीढ़ियों पर से ऊपर जाते हुए देखा। टप टप टप। मिस्टर, नाम क्या तुम्हारा? लल्लू। लल्लू? लल्लू बहुत अच्छा नाम है। तुम रात को रीटा के फ्लैट की तरफ क्या करने गए थे? मैं? मैं कुछ करने नहीं गया था, मैं तो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। मैं जो कुछ करता हूँ अपने मोहल्ले में ही कर लेता हूँ। तुम रात को मारे मारे क्यों फिरते हो? मैं तो दिन में भी मारा मारा फिरता हूँ साहब। अपना कोई नहीं जमाने में, ना आशियाने के बाहर ना आशियाने में। तुम उसे पहचानते हो? मैं जिसको एक बार देख लूं उसको कभी नहीं भूल सकता साहब। ये वो आदमी है? आदमी तो है, लेकिन ये वो आदमी नहीं है। और से देखो। नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। जब भी देखूंगा
पहचान लूंगा। स्टॉप इट। यहाँ तस्वीर भी खींचते हैं? यहाँ खाल भी खींची जाती है लल्लू साहब। जी थैंक यू, मैं चलूँ साहब? आते रहिए जी। खाल भी। वाह क्या बात है, कमाल है, पेपर वाले तो तेरी तस्वीर छापने लग गए। तू तो सचमुच का बड़ा आदमी हो गया है रे। अभी तो आगे आगे देखती जा, देख बिल्कुल हीरो लगता हूँ। अब तो चांस ही चांस। अब तो भैया भी तुझसे बहुत खुश होंगे। उनका बाप भी खुश होगा। आएंगे पहलवान जी मुझसे शादी की डेट लेने, तब उनको बोलूंगा सॉरी पहलवान जी ये डेट मैं राजेश कुमार को दे चुका हूँ, 6 महीने बाद मिलना और मिलते ही रहना। लल्लू कुमार जी। हाँ जी। आप अपनी औकात भूल रहे हैं। आपको अखाड़ा याद नहीं? शादी तो आपको जूते की जोर से करनी पड़ेगी। अरे जोर से कह सकती हो, वैसे शादी में जूते भी चल सकते हैं। पता नहीं, मैं देखता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या आप बता सकते हैं श्री लल्लू कुमार फिल्म स्टार कहाँ रहते हैं? आपकी तारीफ। जी मैं एवरेस्ट फिल्म कंपनी का मैनेजर हूँ। एवरेस्ट फिल्म कंपनी के मैनेजर? बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जी सेवा तो करने के लिए हम यहाँ आए हैं। जी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपकी तस्वीर देखकर हमें यहाँ भेजा है, वो आपको हीरो बनाना चाहते हैं। ओह वेरी गुड वेरी गुड। आपकी कंपनी ने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? बहुत सी। काम चोर जी, हराम खोर, बदतमीज, गधा कहीं का। ओ, सारी हिट पिक्चरों के नाम ले रहे हैं आप। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो तशरीफ ले चलिए। आप एक सेकंड की मुझे मोहलत दीजिए, कार में बैठिए, मैं अभी आया। जी अच्छा चलिए। डार्लिंग देखा मैंने कहा था ना, एक दिन आएगा जब लोग गाड़ी लेकर मेरे पीछे घूमेंगे, वो दिन आ गया। अब तुम जरा तैयार रहना। हाँ। एडवांस के पैसे मिलेंगे, शूटिंग के बाद अपन पिक्चर देखेंगे, ओबरा शेरिटन में डिनर खाएंगे। आई लव यू डार्लिंग। तैयार रहना। सी यू। बाय बाय स्वीट हार्ट। बाय बाय डार्लिंग। नमस्ते। बाय। सी यू डार्लिंग। आई लव यू। मैं आता हूँ, अपन चलेंगे। आई लव यू। क्या बात है? ये देखो अखबार में लल्लू की फोटो छपी है और लिखा है कि वो असली खूनी को पहचानता है। लल्लू कहाँ? मुझे तो नहीं मालूम, कोई कह रहा था फिल्म कंपनी वाले उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए। फिल्म कंपनी? गाड़ी का नंबर क्या? गाड़ी तो मैंने नहीं देखी, क्या बात है? लल्लू की जान खतरे में है, अगर वो असली खूनी के हाथ लग गया तो उसे जान से मार देगा। वाह 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 वाह, क्या सेट लगाया, लगता है फिल्म का नाम है माल गोदाम। लवली, मेरा कैरेक्टर क्या है? ये तो आपको डायरेक्टर साहब ही बताएंगे। किधर है डायरेक्टर? जी वो आ रहे हैं डायरेक्टर साहब। ये डायरेक्टर है कि बुलडोजर? क्या कहा? मतलब मशीन की तारीफ कर रहा था मैं। हाय डायरेक्टर, लवली लवली लवली, क्या बॉडी है, क्या पर्सनालिटी है, क्या सीना है, क्या मछलियां, क्या पसलियां है, वेरी सेक्सी है। तुम कौन हो? जरा बताना। ये है मिस्टर लल्लू कुमार, इनकी तस्वीर कल अखबारों में छपी थी। फिल्म स्टार लल्लू कुमार लल्ला। तो आप हैं लल्लू कुमार जी? जी जी। यार बिल्कुल हीरो लगते हो। खूब पहचाना आपने, मुझे बचपन से हीरो बनने का शौक था। मेरे दोस्त इतना बताओ कि तुम उस खूनी को पहचानते हो? खूनी? हाँ। अजी एक खूनी क्या, मैं हजार खूनी पहचान सकता हूँ। आप लल्लू कुमार को समझते क्या? एक बार मैं किसी को सपने में देख लूं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये बताओ वो कौन था? नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं शक्ल देखकर पहचान सकता हूँ। मेरा मतलब है कुछ तो बताओ, कद में ऊंचा, छोटा, मोटा, काला, गोरा, मेरा मतलब कुछ मिक्स। होल्ड इट, होल्ड इट। नो, उस जैसा इनमें से कोई नहीं। अच्छा भाड़ में गई खूनी की बात, ये बताइए मेरी हीरोइन कौन होगी? हेमा मालिनी, जीनत अमान, सायरा बानो, सेक्सी बिंदु, पद्मा खन्ना। हाँ, फाइटी हीरो विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दीवार। मेरे हैंडसम हीरो, अब बताओ वो खूनी कौन था? कौन है आप? मैं आपको भूल गया, कहाँ हूँ मैं? मेरी याददाश्त खो गई। अभी सब याद आ जाएगा। मार दिया। जंजीर, जंजीर भी अमिताभ को दे। मुझे क्यों मारते हो? मैं तो अपने आप को भी भूल गया हूँ। अरे भूली बात है, सब याद आ जाएगी। आओ गंगा जमुना में देखा दिलीप कुमार को। अरे मेरे साथ
गर्ल। अदालत के सामने जितने भी सबूत पेश किए गए हैं वो किसी तरह भी मुलजिम को बेकसूर साबित नहीं करते। असली हार के बदले मिस रीटा को नकली हार देना, मुलजिम का मफलर और चश्मे का पाया जाना, कोका कोला की बोतल पर मुलजिम की उंगलियों के निशान मिलना, मिस रीटा की नौकरानी चंपा और माली दोनों की गवाही और दूसरे गवाहों के बयान और मुकदमे के हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम राम नारायण वल्द श्याम नारायण को मिस रीटा के कत्ल का मुजरिम मानते हुए ताजिरात हिंद की दफा 302 के तहत मुजरिम को फांसी की सजा का हुक्म देती है। ये अन्याय है, ये बेगुनाह है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जैसा भी खूनी नहीं है, ये खूनी नहीं है जैसा। बताया कीजिए, मेरा सब कुछ न लूटिए। फैसले के खिलाफ अगर कुछ कहना है तो अदालत मुजरिम को हक देती है, 21 दिन के अंदर वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। मुझे भी अपने हाथ ले चलो, मुझे भी अपने हाथ ले चलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं। ये क्या कह रही हो सीता? कभी दुनिया में ऐसा भी होता है? क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? एक कलम के स्याही से माथे का सिंदूर ऐसे ही पोछा जाए। अगर राज स्कूल से आकर पूछेगा कि मेरे पिता कहाँ, तो मैं ऐसे कैसे कहूंगी कि वो कभी नहीं मिलेंगे? मैं वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, सब कुछ लूट गया। अभी अभी मेरे बात अपनी भाभी भैया, मैं आपके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। कानून किसी बेगुनाह को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है ईमानदारी और शराफत। अब कुछ नहीं हो सकता लक्ष्मण, मेरा फैसला हो चुका है। फैसला बदला भी जा सकता है भैया, मौत ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है। मैं मौत का हाथ तोड़ दूंगा लक्ष्मण, अब कोई हाथ मुझे नहीं बचा सकते। भैया हाथ कंधे पर और बाएं आगे। मर गया कर्मांजी, मर गया। अरे मर गया कर्मांजी, मुझे धोखा देके ले गए। की बात है नू, कौन धोखा देकर ले गया? कौन धोखा देकर ले गया? मैं हीरो बनना चाहता था पहलवान जी। हाँ। उन लोगों ने मेरा भरता बना दिया। वो तो अच्छा हुआ मेरी जान बच गई, मेरा खून करना चाहते थे। खून? लक्ष्मण ठीक कहता था। गणपत जा लक्ष्मण को बुला के ला। आगे बोला, आगे क्या हुआ? वो कहने लगे तू पुलिस को खबर देता है, तू खूनी को पहचानता है, हम तेरी आंख फोड़ देंगे। तू खूनी को पहचानता है? मैंने आज तक किसी खूनी की शक्ल तक नहीं देखी। बेटे मुंह फिर फोटो छुपाने के लिए किसने कहा? वो तो अपने आप खींच गई। फोटो तो अपने आप खींच गए, लेकिन तेरी खाल हम खींचेंगे। क्यों? भाई साहब की जान खतरे में है और तू फोटो खिंचवाता फिरता है। बोल चक्कर क्या है, असली खूनी कौन है? पहलवान जी मैं कह चुका हूँ मैं कुछ नहीं जानता। एक तो मेरी धुलाई हो गई, ऊपर से आप मेरी खिंचाई कर रहे हो। तू पुलिस स्टेशन क्यों गया था? वो कौन थे बदमाश? वो कौन थे बदमाश? मैं नहीं जानता। धनपत सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसको टेढ़ा कर। लक्ष्मण भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कुछ नहीं जानता। वो उल्लू के पट्टे भी यही पूछ रहे थे और ये लोग भी यही पूछ रहे हैं। अबे तू पुलिस स्टेशन क्यों गया था? अपनी तस्वीर क्यों खिंचवाई थी? पब्लिसिटी के लिए। मैं
मैंने सोचा कि तस्वीर छप जाएगी तो किसी फिल्म कंपनी में हीरो का चांस मिल जाएगा। मिल गया चांस। मेरी हालत देखो। चल बैठ इधर। ये बता, तू उनमें से किसी को पहचानता है? अब तो मैं अपने आप को भी नहीं पहचानता। लेकिन वो लोग तुझे पहचान गए। सुन, तुझे एक बार फिर वहां जाना पड़ेगा। नहीं, मैं उधर कभी नहीं जाऊंगा। अरे वहां नहीं जाएगा तो मारा जाएगा। सुन इधर। क्या ऐसी बात मैं अभी कर भी नहीं सकता, कभी नहीं। अबे तुझे करनी पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगा। तू समझता क्यों नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं समझते। पहलवान लल्लू। नहीं पहलवान, तू बीच में बताओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। धनपत। धनपत को मत बुलाओ, मैं जाऊंगा। ये तो आपस का मामला, धनपत मत आ। इस डायरेक्टर ने, इसने। अरे धनराज तुम। हाँ, ये बुलडोजर ने, इस गेंडे ने, इस मोटे ने। उस दिन तुमने उसकी इतनी शूटिंग कर दी कि आज तुम्हारा नाम लेने से डर रहा है। लक्ष्मण होश में आओ, जानते हो कहाँ खड़े हो? गीदड़ के बच्चे शेर से आंख मिलाता है। मौत की कैंची कहते हैं बच्चू, एक ही झटके से तेरी छुट्टी हो सकती है। अबे गेंडे जल्दी बोल, नहीं तो पहलवान जी तेरी मुंडी लेके चले जाएंगे, तेरी कुंडी तड़पती रह जाएगी। बेटा बोल, खून तुमने किया है ना? नहीं नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने खून नहीं किया। मौत सामने खड़ी है और झूठ बोलता है, बोल कौन है खूनी? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खूनी को नहीं जानता। नहीं जानता तो लल्लू को क्यों पीटा? जानता है। हाँ हाँ पहलवान जी जरूर जानता है, इसको एक जरा नाजुक सा झटका और दो, इसका बाप भी बोलेगा। पहलवान जी मैं बताता हूँ। अब आया ना रास्ते पर, पहलवान जी जरा कैंची ढीली कर दो, देखिए क्या वक्त है। अब बोल। अबे बोल गेंडे, नखरा मत कर, बोल। Yeah.
कैसे खून किया? बोल। अरे बोल। पर क्या? प्रीतम, पंडित। अरे बात है। जल्दी से खिसक चलो, खिसक चलो, जल्दी से। हाँ बोल रहा हूँ। हेलो बॉस, धनराज को तो उड़ा दिया। क्या धनराज मर गया? कुछ बोला तो नहीं? कुछ बोलने की हालत में नहीं था वो। खैर, धनराज मर गया, अच्छा ही हुआ। आपने धनराज को मरवा दिया, वो तो आपका राइट हैंड था। तुम नहीं समझोगे इन बातों को। उसे मैं नहीं मरवाता तो वो हम सबको मरवा देता। लक्ष्मण बहुत चालाक होता जा रहा है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि राम नारायण को फांसी के फंदे से कौन बचाता है। तुम ही बोलो हमें क्या करना चाहिए। हम सब तैयार हैं। किसको पकड़ना है, किसको मारना है, किस साले की गर्दन तोड़नी है? पहलवान, इस वक्त ताकत से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। ठीक है, हमारी ताकत तुम्हारी अकल, जो बोलोगे वही करेंगे। एक तरकीब सोच कर आया हूं। क्या? देखिए, मुझे एक ऐसा हार चाहिए। पहलवान जी, यह हार तो बहुत कीमती है। पैसे की फिक्र मत कीजिए, हार हूबहू ऐसा ही होना चाहिए। ये लीजिए पैसे। बन जाएगा पहलवान जी, बिल्कुल बन जाएगा। तुम फिर आ गए? क्या करूं साहब, आना ही पड़ा। मेरी हालत देख रहे हैं आप? ऐसा लगता है वो आदमी मेरा भी खून कर देगा। अभी फिर मिल गया था रास्ते में, ऐसा घूर घूर के देख रहा था जैसे मैं ही रीटा हूँ। कौन है वो आदमी? लंबा सा, गोरा सा, बिखरे बिखरे बाल। देखो शोर ना मचाना, वो देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना, ये है अपनी बात, रहे अपने साथ कहीं सुन लेना ये समारा। देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना। देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना। देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना, ये है अपनी बात, रहे अपने साथ कहीं सुन लेना ये समाना, कहीं सुन लेना ये समाना, वो कहीं सुन ले। इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़िए। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लक्ष्मण, तुम? यू डू योर ड्यूटी ऑफिसर। साहब, यही है वो आदमी जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही आदमी है? अजी लल्लू, एक बार किसी को देख ले तो भूल नहीं सकता। चलो
सीमा देवी, आपको यह बयान देना होगा कि ये आपसे क्या चाहता था। वो मुझे मारना चाहता था। साहब, दूसरे कमरे में ये नौकरानी बंदी पड़ी थी। यही है वो बदमाश जिसने मुझे बांधा था। चलो पुलिस स्टेशन। ये नेकलेस लक्ष्मण, ये नेकलेस असली है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये पूछना कोई जरूरी है? लक्ष्मण, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कमाल कर तो यार, इतने साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, असली नेकलेस तुम्हारे कब्जे में है और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुमने पहले ये पुलिस में क्यों नहीं दिया? भाई साहब की परेशानी तो कम हो जाती। भाई साहब ने मुझे परेशानी के सिवा दिया क्या? जिंदगी भर आवारा नालायक समझकर इंसल्ट करते रहे। बेइज्जती किसे उनसे मुझे और मिला क्या? तुमने उसका ऐसा बदला लिया? लक्ष्मण, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भाभी, भाई साहब को मालूम होना चाहिए था कि मैं उतना नालायक नहीं जितना वो मुझे समझते हैं। इसीलिए लक्ष्मण, अब तक तो मैं समझता था कि तुम बेकसूर हो, लेकिन गुनाह सर चढ़कर बोल रहा है। ये तुम नहीं, तुम्हारा गुनाह बोल रहा है। अगर ये नेकलेस नहीं मिलता तो आज ही अपने भाई को फांसी पे चढ़ा देते। लक्ष्मण, मैंने तुझे राजू से कम नहीं समझा था। ममता अंधी होती है, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने कठोर और खतरनाक निकलोगे। भाभी जी, नेकलेस मिल गया है, मुझे इसके खिलाफ सबूत मिल गया है। अब आपको भाई साहब की तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण, चलो। राजा, राजू, सर, ये हैं वो ग्लास वाले फिंगरप्रिंट्स जो हमें नहीं मिले थे। ये लक्ष्मण के हैं। लक्ष्मण के घर की तलाशी में हमें वो हार मिला जिसकी चोरी का इल्जाम रामनारायण जी पर था और उन्हें सजा हुई। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, मेरे ख्याल में असली मुजरिम लक्ष्मण है। आपको पूरा यकीन है इंस्पेक्टर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दूसरी गलती हो? नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो लक्ष्मण पे चार्जशीट लगा के अदालत में पेश कीजिए और रामनारायण की रिहाई की दरखास्त। यस सर। सुना तुमने, लक्ष्मण पकड़ा गया और असली हार भी बरामद हो गया। असली हार बरामद हो गया? हाँ। वो कैसे? पुलिस ने सारे घर की तलाशी ली। ये कैसे हो सकता है? ये रहा असली हार, और वो हार, वो तो लक्ष्मण की जिंदगी भर की हार है। सीता, सीता, कैसी हो सीता? राजू कहाँ है? स्कूल गया है। तुम्हें बहुत याद करता है। जब से तुम गए हो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। सीता, जानती हो लक्ष्मण ने क्या किया है? जानती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना धोखेबाज और खतरनाक निकलेगा। सीता, तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी किया करती थी। वो मेरी भूल थी। तुम हमेशा उसे डांटते थे, बुरा भला कहते थे, इसलिए बदला लेने के लिए उसने तुम पर इल्जाम लगा दिया। सीता, तुमने उसके पास हार जरूर देखा था, लेकिन उस हार के पीछे छिपी बलिदान की भावना नहीं देखी। अरे पगली, कहीं भाई भाई से बदला लेता है?
भैया मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, चाहे राम नारायण का भाई कितनी भी चालाकी क्यों ना करे। मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं कि अगर मैंने तुम्हारी और मां की मौत का बदला नहीं लिया तो भगवान मेरी आत्मा को कभी शांति न दे। चाचा। भैया इसे साथ क्यों ले आए? मैं कहां लेके आया, खुद इज्जत करके चला आया है। मेरे लिए इसने स्कूल जाना छोड़ दिया, तुम्हारे लिए खाना पीना छोड़ दिया है, रात को सोते सोते भी तुम्हारा नाम लेकर होता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? घर चलो ना चाचा, चलो ना चाचा, चलो ना। चुप है, बहुत बात कर रहा है। लेकिन इस डिब्बे में क्या लाया? लगता है तेरी माँ ने, वाह 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 वाह, पकौड़े भेजे। लो सुनो, सुनो खत्म नहीं करना, मैं अभी आया। हाँ तो मुझे ये चश्मा मिल गया, ये आप ही क्या? हाँ लेकिन वो जो रीटा के फ्लैट में वो मेरा है। यानी तुम खुद तुमने इसे मेरे लिए किया है, मुझे बचाने के लिए तुमने अपने जिंदगी को क्यों खतरे में डाला? समय का इंतजार कीजिए, समय आदमी को बहुत कुछ समझा देता है, जो कुछ नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण घबराइए मत, मेरे सारे प्लान फुल प्रूफ हैं, और कुछ नहीं बता सकता, आप जाकर पहलवान को मिल लीजिए। ठीक है लाजो चलो। भाई लक्ष्मण ये चश्मा तो बड़ा जोरदार है। हम क्या कमजोरदार हैं? नहीं 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 नहीं, माशाल्लाह तुम तो हैंडसम हो, समझदार हो, अच्छे हो, लेकिन ये खरीदा कहाँ से? यूं कहिए प्रेम भैया कि आपके दिल को भा गया। बात तो कुछ ऐसी है। तो फिर इसे आप रख लीजिए, आप भी क्या याद करेंगे किस रईस से पारा बड़ा था। ये बात हुई ना। रमेश तुम्हें ऐसा चश्मा रीटा के फ्लैट से मिला था? वो मेरा है, वो मैंने किसी मौके पर प्रेम को दिया था। इसे देखो, ये भैया का है, भैया को आज मिल गया। वो चश्मा तुमने प्रेम को दिया था? हाँ एक पार्टी में उसने कहा था कि ये चश्मा बहुत अच्छा, मैंने कहा था आपसे अच्छा नहीं है रख लीजिए। क्या कह रहे हो यार? तुम एक काम करो, ज्योति आनंद को और शंकर को पूछ के देख लो। अच्छा इसे मेरे पास रहने दो। हलवान जी नमस्ते। भाई साहब कहिए कैसे आना हुआ? पहलवान जी वो कल कोर्ट की तारीख है, आपको हाजिर होना याद है ना? हाँ हाँ याद है, मुझे और लल्लू को समन्स मिले हैं। पहलवान जी कुछ भी कीजिए, लक्ष्मण को बचा लीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, लक्ष्मण के लिए हमारी जान हाजिर है। पहलवान जी आपकी और लल्लू की गवाही से लक्ष्मण की जान बचाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि कल ठीक 10 बजे आप कोर्ट में पहुंच जाइए। 10 बजे क्यों, हम 8 बजे ही पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं 8 बजे बहुत जल्दी हो जाएगी, अब मैं ऐसा करूंगा कि अपनी गाड़ी भेज दूंगा, उसमें आराम से आ जाइएगा। अच्छी बात। अच्छा नमस्ते। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आ लल्लू आ बैठ, कुछ खा ले। अरे लेना। नहीं पहलवान जी अपनी तो भूख ही मर गई है। क्यों? अदालत में जाना है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या है। अरे बोलना क्या है, जो तुमने देखा है बोल देना। मगर पहलवान जी बहुत डर लगता है। सच बोलने से डरता है? नहीं नहीं वो बात नहीं, मेरे एक दोस्त ने कहा है कि अगर अदालत में तू सच बोला ना बेटा तो फंस जाएगा, इसलिए सोच रहा हूं। तो क्या सोच रहे हो, सच बोलूं कि नहीं बोलूं? पहलवान जी साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, चलिए। ठीक चल लल्लू आ। अरे चल पहलवान जी इस मूछ वाले से बहुत डर लग रहा है। अरे मैं जो हूं तुम्हारे साथ आ। अच्छा मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। पहला गवाह मिस्टर लल्लू कुमार। लल्लू कुमार हाजिर हो, लल्लू कुमार हाजिर हो। मिस्टर लल्लू कुमार किसी वजह से आज अदालत में हाजिर नहीं हो सके। योर ऑनर किसी वजह से लल्लू कुमार अदालत में हाजिर नहीं हो सका, थोड़ी मोहलत दी जाए, अगली पेशी में पुलिस लल्लू कुमार को अदालत में पेश करेगी। दूसरा गवाह पहलवान भीम सिंह। पहलवान भीम सिंह हाजिर हो। बाबूजी अपना भीम सिंह पहलवान भी नहीं आया। ओके साहब आप भी मोहलत दे लीजिए, हमारा गवाह भी नहीं आया है। योर ऑनर किसी वजह से हमारा गवाह नहीं आ सका, इसलिए हमें भी मोहलत दी जाए। रिक्वेस्ट ग्रांटेड।
दोनों गवाहों के नाम वारंट जारी किए जाएं। इसलिए अगली तारीख तक के लिए केस मुलतवी किया जाता है। भाई साहब, ये रास्ता कोर्ट की तरफ तो नहीं जाता? क्या? कोर्ट की तरफ नहीं जाता। ओ पहलवान जी, मैंने आपको बोला था। क्या क्या बात है, आज तुम्हारे गवाह हाजिर नहीं हुए। आज तो लल्लू और पहलवान के वारंट निकल रहे हैं। निकलने दीजिए, जो कुछ होना होगा होगा। क्या होगा वो तो भगवान जाने, मगर जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। पहलवान के मैं और प्रेम दोनों गए थे। हाँ, पहलवान को तो मैंने ताकीद भी की थी और उसने आने का वायदा भी किया था, लेकिन फिर भी नहीं है। आप भी गए थे पहलवान के घर? भाई तुम्हारे लिए तो मुझे जाना ही पड़ा लक्ष्मण, और ऐसे वक्त में अपने तो क्या पराये भी काम आते हैं। लेकिन ताज्जुब है कि पहलवान ने हमारी बात क्यों नहीं मानी। अगर पहलवान नहीं मिला मिस्टर लक्ष्मण, तो केस अपने हाथ से निकल जाएगा। पहलवान का कोई और पता ठिकाना तुम्हें मालूम है तो हमें बता दो, हम ट्राई कर लेंगे। अब आप क्या ट्राई करेंगे, जो कुछ होगा मैं खुद देख। अभी बता दो, नहीं तो मार मार के खाल खींच लेंगे। कहाँ है सबूत? हम जान दे देंगे मगर जबान नहीं खोलेंगे। बता दो पहलवान जी, बता दो। आप तो इनकी मार बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये सिंगल पसली कागजी पहलवान का क्या होगा, ये भी सोचा है आपने? तेरा मतलब है लल्लू कि हम लक्ष्मण से गद्दारी करें? नहीं नहीं, इसको गद्दारी नहीं कहते पहलवान जी, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। नहीं समझे? इंग्लिश है? अरे चुप कर, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो अभी तक गुस्सा आया क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ पहलवान जी, मार मार के इनकी भूख बना दो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन करना क्या पड़ेगा ये तो बता। धत तेरे, पूरी रामायण पढ़ ली और पूछता सीधा कौन है? इधर सुन ना बाबा, ना बहुत मार पड़ेगी। हाँ तो वो तेरे लिए कौन सी नई बात है, ये ले पैसे वगैरह, बाकी बाहर आने के बाद दूंगा, समझा? शुरू हो जाए। साला समझता क्या है? जोर से बोल, नकद लिया तूने? साला समझता क्या है? अरे गाली नहीं जरा बोलो तो। ये कैदियों के झगड़े में जख्मी हो गया है। हेड इंजरी लगती है, मेरे ख्याल से बराबर जांच करनी पड़ेगी और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं निगरानी के लिए बंदोबस्त कर लेता हूँ। हवलदार जी। हाँ। इस कैदी को किसी बाहर के आदमी से मिलने नहीं देना जी, और इस पर कड़ी निगरानी रखना जी। हाँ। लेट जाइए। मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में? घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर, इनको आप हॉस्पिटल के कपड़े दे दीजिए और एक्सरे डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। यस। सुनो, मुझे नहीं नहीं आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं बैग पहन ले आता हूँ। ये कपड़े संभालो। ए उम्मी, हाँ? ले आना तेरे पास। क्यों? ले ये कपड़े रख उसमें। ला। उठिए। भाग गया, पुलिस।
मैं राम बोल रहा हूँ। मुझे अभी पता चला है कि लक्ष्मण अस्पताल से भाग गया है। क्या? हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। घबराओ नहीं राम, मैं भी आता हूँ। अच्छा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हीरों का व्यापारी हूँ। सुना है आपके पास बेचने के लिए बहुत बढ़िया हार है, उसे मैं खरीदना चाहता हूँ। चंपा, तुम यहाँ से जाओ। अरे, आपके जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आपका ये हार भी बहुत बढ़िया है, आपको बेचना है? जी नहीं। हार वार की बात छोड़िए सरदार जी, पहले ये बताइए कि आपको यहाँ का पता किसने बताया? प्रेम साहब, अपने मतलब की जगह हम खुद ढूंढ लिया करते हैं। और हम अपने मतलब के आदमी को लक्ष्मण, अगर तुम अपने भाई के फांसी का फंदा खुद गले में डालना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं राम नारायण को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग इस पर कड़ी निगरानी रखो। यस सर। और तुम मेरे साथ राम नारायण के घर चलो। अब क्या करें? बॉस को टेलीफोन करते हैं, वो इसे देख लेगा। चलो भागो, जल्दी करो। चंपा को प्रेम के साथ? हाँ, और चंपा के गले में वो हार था जिसकी वजह से तुम्हारी बहन रीटा का खून हुआ, जिसकी वजह से मेरे भाई सब जेल में गए। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ सीमा, ताकि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। यकीन मानो सीमा, चंपा के आने पे सारा भेद खुल जाएगा। देखो, अगर चंपा हो तो उससे कहना कोई उसे मिलना चाहता है। जाओ। कोई तुम्हें मिलने आए हैं, हॉल में हैं, मुझसे? सताजी, तुम तो अभी अभी कैसे? हाँ हाँ, कहो कि अभी अभी तुम मुझे कैसीनो में मिलके आ रही हो। कैसीनो? कैसे कैसीनो? लो, ज्यादा होशियारी नहीं दिखा चंपा। सच सच बता, प्रेम को कैसे जानती हो? प्रेम? मैं किसी प्रेम को नहीं जानती। तो फिर कसीनो में उसके साथ क्या कर रही थी? और जो हार तुमने गले में पहन रखा था वो कहाँ से मिला? कौन सा हार? कैसा हार? अपनी खैरियत चाहती हो तो साफ साफ बताओ, वरना पुलिस सच बुलवाने के बहुत तरीके जानती है। पुलिस? मगर मैं कहती हूँ। मैं क्या कर रही है? हार का? वो प्रेम साहब ने मुझे दिया था, रीटा के खून के बदले में। नहीं, मैं खून के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम झूठी हो।
बताती हूँ। उस रात रीटा मेम साहब ने मुझे बाजार जाने के लिए कहा। मैं जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, प्रेम साहब मुझे मिले। इशारे पे उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा। मैं उन्हें अपने साथ ऊपर लाई। दरवाजा खोला, वो घर में चले गए। जब मैं नीचे पहुंची, बंगले के गेट पर आपके भाई साहब मिले। उन्होंने मेम साहब के बारे में पूछा। मैंने बताया वो नीचे के रूम में बैठी हैं। और बाजार से लौटने पर रीटा मेम साहब को मरे हुए पाया। और इस घर में भी तुम्हें प्रेम ने रखवाया था? जी हाँ। नमक खरा, ये बयान तुम्हें पुलिस स्टेशन चलकर देना होगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। अरे जाएगी कैसे नहीं। सीमा, मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन चलता हूँ। तुम राम नारायण जी को फोन करके कह देना कि वो भी वहां पहुंच जाए। चल। हेलो हेलो, राम नारायण भैया। हाँ मैं राम बोल रहा हूँ। मैं सीमा बोल रही हूँ। आपके भैया लक्ष्मण यहाँ सरदार जी के भेस में आए थे। उन्होंने मेरी नौकरानी चंपा से सब कुछ उगलवा लिया है। अब वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन गए हैं और कह गए हैं कि आप भी वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है। किसका फोन था? अरे अपने लक्ष्मण का फोन था। लक्ष्मण का? हाँ, पुलिस स्टेशन से बोल रहा था। कह रहा था कि उसने असली मुलजिम को पकड़ लिया है और हम सबको पुलिस स्टेशन बुलाया है। अच्छा। हाँ राजू बेटे, अंकल को मिलने चलेगा? जरूर चलूंगा। चलिए। इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, क्या बात है? इनको जरा बयान देना है। बयान? यू मीन कंप्लेंट? जी हाँ। अच्छा बोलिए। सच सच बोलोगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। बोल दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ बोलना है। पुलिस स्टेशन। देखिए वहाँ एक सरदार जी एक लड़की के साथ गए हैं, जरा उन्हें फोन देंगे। हाँ सरदार जी। अच्छा अच्छा फोन है जी। हेलो हेलो, लक्ष्मण सिंह जी, सत श्री अकाल, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। देखिए अगर पुलिस स्टेशन में आपने चंपा का मुंह खुलवाया तो आपके सारे खानदान वाले यहाँ बैठे हैं, मैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। गुड, वेरी गुड। चलो सब ठीक हो गया, अब बयान की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आते ही समझने की बातचीत शुरू हो गई। चलो चले आते, तकलीफ माफ। अच्छा जी, सीमा को ले आओ। यस सर। राम नारायण, तुम्हें याद है आज से कुछ साल पहले तुम्हारे बयान पर एक आदमी को फांसी हुई थी? कौन, भंवरलाल? हाँ भंवरलाल, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मेरा भाई तो मर गया राम नारायण, लेकिन बदला नहीं मरा। बदला कभी नहीं मरता। देखो प्रेम, मैंने अदालत में जो कुछ कहा था बिल्कुल सच कहा था। तुम्हारे भाई ने एक बेकसूर गरीब कैशियर से पैसे लूटने के लिए उसका खून किया था। तुम्हारा भाई गुनाहगार था और वही गुनाह आज तुम करने जा रहे हो। प्रेम, प्रेम तुमने मुझे भाभी कहा है, क्या तुम अपने भाभी का सुहाग उजाड़ोगे मेरे सामने? नहीं नहीं भाभी जी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आपके सामने आपका सुहाग नहीं उजाड़ूंगा। पहले मैं आपके बेटे को मारूंगा, उसके बाद आपको, और उसके बाद आपके पति देव को। शर्म करो, सीमा देवी आ गई है। ठीक है, उनको ट्रक में बिठाओ। यस सर। और इन सबको भी ले चलो। चलो आगे बढ़ो। तू पुलिस की चुंगल से बच गई, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच सकती। बोल, प्रेम का डका है? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे सब कुछ मालूम है, तो उसकी हर चाल को जानती है। रीटा के खून से तुम दोनों के हाथ रंगे हुए हैं। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। संबंध? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा भाई, भाभी, सीमा, राजू सब प्रेम के कब्जे में है। उनकी जिंदगी से बढ़कर मुझे तेरी जान नहीं है। अगर तूने मुझे प्रेम के अड्डे का पता नहीं बताया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करने में जरा भी। बताती हूँ, बताती हूँ। Thank you.
कहीं वो उसकी नौकरानी चंपा तो नहीं थी? ओ यस, बिल्कुल वही थी। उस सरदार का हुलिया कैसा था? अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। ओ माय गॉड, ये गाड़ी यहां से हटा दो और यहां सख्ती से पहरा दो। कोई आए तो मुझे अंदर खबर करना, समझे? अपने गुनहगार भाई के फांसी का बदला एक बेगुनाह से ले रहा है, लेकिन मेरी बेगुनाह बहन के खून का बदला भी बाकी है, उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि तुझे भी तेरी बहन के पास भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके पहले लक्ष्मण, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? कानून की मदद करने का इसको यही नाम दे रहे हो? भाई साहब, मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं। लक्ष्मण ने कानून की मदद तो की है, लेकिन जेल तोड़ने का जुर्म भी किया है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए भाई साहब, इंसाफ, कानून और भगवान पर भरोसा रखिए। भाभी, आपके दिल में मेरे बारे में जो शक था, अब तो नहीं है ना? लक्ष्मण, कल तक जो कुछ तुम कर रहे थे उसका मुझे आज पता चला। अब मेरी नजरों में तुझसे बड़ा लायक और कोई नहीं। अभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोर्ट से रिहाई के बाद मैं इन दोनों के हाथों में फूलों की हथकड़ी पहनाऊंगा। लक्ष्मण, चलो। लक्ष्मण, समझाना तारा, नालायक नालायक कह के